हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है अभय कुमार भारती फ्रॉम नॉलेज कॉलेज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कैनन EOS 1500D के वीडियो ऑप्शन के बारे में जानेंगे। वीडियो में क्या क्या ऑप्शन मिलता है और उसके बारे में थोड़ा समझेंगे और एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए कैनन EOS 1500D आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग मूवी मोड में जाएंगे, वीडियो मोड में जाएंगे। उसके बाद हम लोग ऑन कर लेते हैं। उसके बाद लाइव व्यू मोड में आ जाते हैं। लाइव व्यू मोड में इसको प्रेस करते हैं, देखिए लाइव व्यू मोड। फिर उसके बाद मेनू में जाएंगे, देखते हैं क्या क्या इसमें ऑप्शन है। जस्ट आज हम आपको ऑप्शन के बारे में बताएंगे और इसका डिटेल्स अच्छी तरह से एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके मैं नेक्स्ट आपको एक वीडियो लाऊंगा जो अच्छी तरह से मैं आपको गाइड कर पाऊंगी इस 1500D वीडियो सेटिंग्स में। देखिए, मूवी एक्सपोजर ऑटो का मतलब होता है आपको इसमें अपना कुछ करने की जरूरत है, ऑटोमेटिक कैमरा करेगा। मैनुअल का मतलब ये होता है आप इसमें शटर स्पीड, अपर्चर, ISO आप ऑटोमेटिक खुद से चेंज कर सकते हैं। जैसे आप नॉर्मली शटर स्पीड, अपर्चर, ISO चेंज कर सकते हैं स्टिल में, उसी हिसाब से आप इसमें भी चेंज कर पाएंगे। तो ये आप अपने हिसाब से अपने सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं इसमें। ऑटो फोकस मेटर, इसमें तीन मेटर है, लाइव मोड और देखिए पहले फ्लेक्सी जोन ऑटो फोकस, लाइव मोड और क्विक मोड। तो हम लोग मेनली फ्लेक्सी जोन ऑटो फोकस में यूज़ करते हैं क्योंकि ये पूरे एरिया में हम लोग जाकर फोकसिंग कर सकते हैं। देखिए, ऑटो फोकस विद शटर बटन ड्यूरिंग वीडियो, तो ये डिजेबल होने से जब आप वीडियो करेंगे तो शो हाफ प्रेस करते हैं शटर तो फोकसिंग डिजेबल रहेगा, और वही हम एनेबल कर देते हैं तो आप फोकसिंग लेगा, आपको हाफ प्रेस करना पड़ेगा। तो उसमें में भी हो सकता है आपका थोड़ा सा साउंड आ जाए आपका वीडियो में। शटर स्पीड, ऑटो एक्सपोजर लॉक, देखिए इधर से आप अपने इधर से ये ऑप्शन को आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर हाईलाइट टोन प्रायोरिटी, हम इसको डिजेबल में ही रखते हैं। देखिए मूवी रिकॉर्डिंग साइज में आते हैं, मूवी रिकॉर्डिंग फुल HD में 25p, 24 HD में 50p और HD में आपका 25p है। तो ये है पाल में हम दिखा दें, पाल और NTSC चेंज कर सकते हैं। साउंड रिकॉर्डिंग में ऑटो, मैनुअल और डबल किया हुआ है। और उसके बाद मीटरिंग में 8 से आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ग्रिड डिस्प्ले, आप अपने हिसाब से ग्रिड डिस्प्ले से देखिए ये ऑप्शन है और इसमें तीन वेरिएशन है, ऑफ कर सकते हैं, 1 है और 2 है। अब वीडियो स्नैपशॉट, मतलब आप छोटा छोटा क्लिप कर वीडियो लेना चाहते हैं छोटा छोटा, तो आप इससे ले सकते हैं, एक छोटा छोटा क्लिप करके उसको मच करके एक वीडियो के रूप में दे सकते हैं। तो ये जस्ट 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड के आप वीडियो क्लिप अप कर सकते हैं। देखिए ये एक वीडियो मेरा क्लिप हो गया, तो उसी को मैं ऐसे चार वीडियो में बना दिया क्लिप और उसको मैं जोड़ के कर देने से एक टाइप ऑफ वीडियो हो, मैंने शॉर्ट टाइप ऑफ वीडियो के लिए। उसके बाद देखिए इसका प्रीव्यू है और वही देखिए वीडियो ऑप्शन सिस्टम में फॉर NTSC और PAL, जैसे NTSC में वही हम जाएंगे तो वही 30p हो जाएगा, 24, 60 और 30, और वही PAL में होने से तो ये 25 में हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कंट्रीज और सब टीवी का फॉर्मेट अलग होता है, उसके ऊपर से डिपेंड उसके लिए वो डिपेंड करता है। तो हर अलग अलग फॉर्मेट के ऊपर ये काम अपने हम लोग के इंडिया में यूज़ होता है PAL। देखिए मूवी कैसे ले सकते हैं, देखिए ये शटर स्पीड है, इससे शटर से हो सकता है, अपर्चर है, अपर्चर प्लस माइनस प्रेस करके आप चेंजेस कर। जब 1500 से आप वीडियो लेंगे तो कोशिश कीजिए आप इसको मैनुअल ही यूज़ करने के लिए, क्योंकि मैनुअल ही आपका ये बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। तो मैं जस्ट एक तो मैं आपको वीडियो लेता हूँ और मैं कुछ क्लिप्स आपको लेकर दिखाता हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक और 1500D का वीडियो सेटिंग्स लाऊंगा जो अच्छी तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करके और एक वीडियो अच्छी तरह से दिखा के और एक एक ऑप्शन को मैं डिस्क्राइब करके मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या ऑप्शन और क्या बेस्ट वीडियो सेटिंग्स होना चाहिए जब आप वीडियोग्राफी करते हैं। तो